पहाड़ी सीरा हिमाचल में बनाई जाने वाली बहुत ही लोकप्रिय और स्वादिष्ट स्वीडिश है। ये बेसिकली गेहूं से, जिसे हम कनक भी बोलते हैं, उससे बनता है और इजिली मार्केट में मिल जाता है। ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसे खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसे चाय या दूध के साथ इवनिंग टाइम में भी ले सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में, जिसमें मैं बनाऊंगी सीरा पहाड़ी स्टाइल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीरा बनाते हैं। सीरे को बनाने के लिए 3 मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सीरा, घी और चीनी। सबसे पहले सीरे को बनाने के लिए हम उसे पानी में 10 से 12 मिनट के लिए भिगो लेंगे। पानी ज़्यादा ना डालें, बस इतना ही डालें कि सीरा पानी में भीग जाए। 10 मिनट बाद जो भी पानी सीरे के ऊपर खड़ा हुआ है उसे निकाल लें बिना हिलाएं। इसके बाद सीरे में स्वादानुसार चीनी डालकर अच्छे से मिश्रण को घोल लें। अब कढ़ाई में गर्म घी में सीरे और चीनी के मिश्रण को डाल दें और उसके बाद गैस को सिम कर लें। ध्यान दें, अब सीरे को धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी हिमाचली डिशेज से रिलेटेड और धाम से रिलेटेड रेसिपीज हैं। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। मैं उनका लिंक कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। फ्रेंड्स, सीरे को बनाने की 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। पहला, पानी की मात्रा। पानी ज़्यादा ना डालें, अगर पानी ज़्यादा डल जाएगा तो सीरा चिपक जाएगा और दानेदार नहीं बनेगा। दूसरा, सीरे को लगातार चलाते रहें और धीमी आंच पर उसको पकाएं। अब आप देख सकते हैं सीरा ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है और कितना अच्छा दानेदार एकदम खिला खिला बना है। मुझे इसे बनाने में अराउंड 10 मिनट लगे। आप भी अपने घर पर सीरा ज़रूर बनाएं और खाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।